तो दोस्तों, अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं या टीवी चैनल्स के शौकीन हैं तो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ भारतीय उन विज्ञापनों को, जिन विज्ञापनों को आप लोगों ने शायद ही पहले कभी देखा होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल साहिल फ्रीडीज। दोस्तों, अब आपको हमारे इस चैनल पे ऐसे ही दिलचस्प और रोचक जानकारियां मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं 1980 और 85 की। जी हाँ दोस्तों, 1980 और 85 में सलमान खान की एक एड आई थी, यानी कि एक विज्ञापन आया था। उस विज्ञापन में सलमान खान बहुत ही हैंडसम दिख रहे थे, यानी कि सलमान खान अभी भी बहुत ही हैंडसम है और उस जमाने में भी बहुत ही हैंडसम दिख रहे थे। यानी कि हीरो होंडा सीडी 100 का वो एडवर्टाइजमेंट, जिस एडवर्टाइजमेंट में वो काम किया उन्होंने, और हीरो होंडा के वो ब्रांड एम्बेसडर भी उस जमाने में थे। तो दोस्तों, उनकी कुछ पुरानी यादें, यानी कुछ पुरानी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं सलमान खान उस समय कैसे दिखते थे। तो दोस्तों, आपको प्रेम चोपड़ा का नाम तो याद ही होगा, मालूम ही होगा। 1980-1985 के दशक में प्रेम चोपड़ा ने एक क्रीम का एडवर्टाइजमेंट किया था। उस क्रीम का नाम था वैसलीन, यानी कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वैसलीन भी बोल देते हैं, वैसलीन भी बोल देते हैं, यानी कि आपको मालूम होगा वैसलीन जो क्रीम आती है, उस क्रीम का एडवर्टाइजमेंट उन्होंने किया था। कुछ उनकी यादें, कुछ पुरानी तस्वीरें आपको सामने दिख रही है। अब बात करते हैं दोस्तों उस जमाने की मशहूर अदाकारा जीना तमान की। उस समय उन्होंने लक्स, जी हाँ दोस्तों, लक्स साबुन का भी एडवर्टाइजमेंट किया था। उनकी कुछ तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, यानी कि शुरुआत से ही लक्स ने जो भी मशहूर हीरोइन, यानी कि सुपरस्टार जो भी रही हैं हीरोइनें, उनके साथ मिलके काम किया है। उन्होंने लक्स का एडवर्टाइजमेंट शुरू से ही किया है। उसके बाद से दोस्तों रेखा का देख सकते हैं, उसके बाद से बहुत सारी और हीरोइनें आईं, और उसके बाद से काजोल आई, माधुरी दीक्षित आई, श्रीदेवी आई, और अभी भी बहुत सारी हीरोइनें हैं लक्स का एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए हम आपको दिखा रहे हैं कुछ एक तस्वीरें, जिन तस्वीरों को आप लोग देख सकते हैं, जिसमें रेखा जी हैं, जीना तमान हैं और भी कुछ अदाकारा हैं। अब बात करते हैं दोस्तों गब्बर की, यानी कि शोले के गब्बर। गब्बर को तो मालूम ही होगा, गब्बर यानी कि अमजद खान की बात करते हैं। अमजद खान उस जमाने में एक विज्ञापन में काम किया था। उस विज्ञापन का नाम था ग्लूकोज डी। देख सकते हैं फोटो आप लोग, और गब्बर सिंह का नाम सुनते ही पता नहीं कितने कोस कोस तक बच्चे रोते थे, तो माँ कहती थी बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।